हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ रसगुल्लों की रेसिपी है। और आप यहाँ देख सकते हो हमारे जो रसगुल्ले हैं कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। और ये होममेड रसगुल्ले हैं। और यहाँ पे मैंने एक रसगुल्ला लिया और उसको स्क्वीज़ करके वापस चाशनी में डाल दिया है। इससे पता चलता है कि हमारे जो रसगुल्ले हैं कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। अगर आप भी घर पर ऐसे रसगुल्ले बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखें। और इसमें मैं कुछ खास टिप्स बताऊंगी कि हमारे जो रसगुल्ले हैं वो इतने सॉफ्ट और स्पॉन्जी कैसे बन सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 1.5 लीटर मिल्क के साथ रसगुल्ले बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर काऊ मिल्क लिया है और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। और काऊ मिल्क में फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिससे हमारे रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। अगर आप कभी भी रसगुल्ले बनाते हैं तो काऊ मिल्क के साथ ही रसगुल्ले बनाएं, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। फुल फैट क्रीम मिल्क कभी ना लें, नहीं तो आपके रसगुल्ले बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और दूध को चम्मच के हेल्प से ही चलाते हुए गर्म करना है, जिससे हमारे मिल्क में बिल्कुल भी मलाई ना पड़े। अगर दूध में मलाई पड़ती है तो रसगुल्ले बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो मिल्क है, मिल्क में एक बॉइल्ड आ गया है। और गैस को ऑफ़ कर देंगे, 2 मिनट तक चलाते रहेंगे दूध को। जब तक हमारा दूध ठंडा होता है तब तक हम अपने मिल्क को फाड़ने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिंथेटिक कुकिंग विनेगर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें मैंने 1 ग्लास पानी डाल लिया है। और उसमें मैं अपना विनेगर डाल दूँगी। और जब भी आप दूध फाड़ें तो पानी में डाइल्यूट करके ही विनेगर डालें, डायरेक्ट विनेगर ना डालें, नहीं तो आपका मिल्क अच्छे से नहीं फटेगा। चम्मच से लगातार चलाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो मिल्क है थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। और यहाँ पे मैं 1 ग्लास पानी और डाल दूँगी, जिससे हमारा जो दूध का टेम्परेचर है और लो हो जाए और जल्दी से ठंडा हो जाए। और अच्छे से चमचे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने विनेगर का पानी डाइल्यूट करके रखा था पहले से ही, और उसे थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और एक साथ नहीं डालेंगे, जिससे हमारा जो मिल्क है वो अच्छे से फटेगा। और लगातार चलाते रहेंगे, और लगातार चलाते हुए ही आपको मिल्क को फाड़ना है। और विनेगर आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक साथ सारा नहीं डालना है। और जब कभी भी आप मिल्क फाड़ते हो तो बहुत ज़्यादा गर्म मिल्क में विनेगर ना डालें, नहीं तो आपका जो छेना है वो रबड़ जैसा बनेगा, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनेंगे उसके रसगुल्ले। और आप यहाँ देख सकते हो हमने जितना पानी लिया था वो पूरा यूज़ हो गया है, और थोड़ा सा और बचा है, बस उसे हम पूरा डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो हमारा जो मिल्क है बहुत अच्छे से फट चुका है। इसका पानी और छेना बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। आप चाहे तो नींबू के रस से भी आप फाड़ सकते हो। सबसे पहले आप नींबू का रस निकाल लें और छान लें, पानी में डाइल्यूट करके ही आप उसे थोड़ा थोड़ा करके डालें, जैसे हमने विनेगर डाला, तो उससे भी बहुत अच्छे से फट जाता है मिल्क। और जितना जल्दी हो सके आप दूध फाड़ने के बाद इसको स्ट्रेनर में निकाल लें, जिससे हमारा जो छेना है बहुत सॉफ्ट बना रहेगा और रबड़ जैसा नहीं होगा। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो नीचे मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, उसके ऊपर मैंने चलनी को रख लिया है। और यहाँ पे मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हो। और जो हमने छेना बनाया था, जल्दी से उसे हम गरम गरम छेने को इसमें डाल देंगे जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर आप उसमें छेने को ठंडा करने के लिए उसी पानी में छोड़ दोगे तो आपका जो छेना है वो रबड़ जैसा हो जाएगा और आपके जो रसगुल्ले हैं बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, बहुत टाइट रसगुल्ले बनेंगे। इसलिए आपको जितना हो जल्दी हो सके आप उस पानी को निकाल दें। और आप यहाँ देख सकते हो मैंने वो पानी निकाल दिया है और इसे मैंने साफ पानी से इसे धो लिया है। दो या तीन वॉश में आपको इसको अच्छे से धो लेना है, जिससे इसमें विनेगर का जो खट्टापन है वो निकल जाए। और आप चाहिए तो इसे नल के नीचे भी धो सकते हैं। और सारा पानी आपको ऐसे हाथ से दबा के निकाल लेना है और लास्ट में इसे आपको दबा के रख देना है, जिससे आपका जो छेने का जो पानी है पूरा अच्छे से निकल जाए। दोस्तों, आप यह देख सकते हो हमारा जो छेना है बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। इसे मैंने आधे घंटे के लिए किसी हैवी वेट से दबा के रख दिया था, जिससे हमारा जो छेने का पानी है वो अच्छे से निकल जाए। और आपको इसे बहुत देर तक दबा के नहीं रखना है, नहीं तो आपका जो छेना है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपके जो रसगुल्ले हैं वह सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे आपके रसगुल्ले।
और आप यहाँ देख सकते हो हमारा जो छेना है बिल्कुल दानेदार छेना बना है, और आपको यहाँ पे इस पोर्शन से इसे सॉफ्ट होने तक आपको इसको अच्छे से इसको मसल लेना है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो हमारा जो छेना है बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया है और इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी, आधा चम्मच और डाल देंगे और कॉर्नफ्लोर को छेने में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें अरारूट का पाउडर भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर से छेने में बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है, इससे आपके जो रसगुल्ले हैं बहुत ही ज़्यादा फूले फूले सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं, चाशनी में जाके बिल्कुल नहीं फटते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो हमारा जो छेना है वो अच्छे से रेडी हो गया है। दोस्तों बॉल बनाने से पहले हम अपने चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी है और उसमें मैंने 6 कटोरी पानी डाल लिया है। पानी डालने के बाद यहाँ पे मैंने 1 कटोरी शुगर ली है, वो डाल देंगे। हमें चाशनी गाढ़ी नहीं बनानी है, हमें चाशनी बिल्कुल पतली बनानी है। रसगुल्ले में चाशनी हमें बिल्कुल पतली बनानी होती है, नहीं तो अगर आप गाढ़ी चाशनी बनाओगे तो आपके रसगुल्ले में चाशनी बिल्कुल अंदर तक नहीं जाएगी और बिल्कुल आपके जो रसगुल्ले हैं बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी नहीं बनेंगे। और जब तक चाशनी बनती है हम अपने बॉल्स बना लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो हमारे छेने का स्मूथ डो बनके रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा छेना ले लूँगी और उसको दोनों हथेलियों से दबाते हुए अच्छे से बिना क्रैक वाला एक बॉल बना लूँगी। आपको सारे बॉल्स बिना क्रैक वाले ही ऐसे अच्छे से बना लेना है। अगर आपके बॉल में क्रैक आया तो आपका जो रसगुल्ला है वो चाशनी में जाते ही फट जाएगा। और एक बॉल बनाने के लिए कम से कम हमें 30 से 35 सेकेंड लगते हैं। सारे बॉल आपको ऐसे ही बना लेने हैं बिना क्रैक वाले। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो हमारे बॉल्स बनके रेडी हो गए हैं और एक भी क्रैक नहीं आया हमारे बॉल्स में। आपको बस ऐसे ही सारे बॉल्स बना लेने हैं बिना क्रैक वाले, जिससे हमारे जो रसगुल्ले हैं बहुत ही अच्छे स्पॉन्जी बनेंगे। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमारी चाशनी में बॉइल्ड आ गया है और यहाँ पर मैं सारे रसगुल्लों को एक एक करके डाल दूँगी और इसे हम 25 से 30 मिनट तक बॉइल्ड होने देंगे। और आप चाहे तो इसको बीच बीच में 5 मिनट बाद आप चेक कर सकते हो अपने रसगुल्लों को। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो हमारे जो रसगुल्ले हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनके रेडी हुए हैं। इसे मैंने कम से कम 30 मिनट तक इसे बॉइल्ड होने के लिए छोड़ दिया था और बीच में मैंने इन्हें चेक भी किया था। और आप चाहे तो बीच बीच में इसे चेक भी कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा मीठे रसगुल्ले पसंद करते हो तो आप इसमें थोड़ा सा शुगर सिरप भी डाल सकते हो। दोस्तों हमारे रसगुल्ले बनके रेडी हो गए हैं और इसे मैं ठंडा होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी इसी में, और फिर इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। और आप इसे ठंडा ठंडा खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।